बात रखी। पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि बाहर मेरे सारे भाई बुजुर्ग जो खड़े हैं सारे अंदर आ जाएं, प्लीज कुर्सियों पे आ जाएं। जो कुर्सी पे बैठ सकते हैं वो कुर्सियों पे बैठे, जो नीचे बैठना चाहते हैं। एलजी सरकार, एलजी साहब हमारी फरियाद सुनो, एलजी साहब हमारी फरियाद सुनो, गरीबों की फरियाद सुनो, गरीबों को तंग करना बंद करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमको बर्बाद करना बंद करो, हमको बर्बाद करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, एलजी साहब हमारी मांगे पूरी करो, नरेंद्र मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो, एलजी सरकार हाय हाय, इंडियन के गवर्नमेंट हाय हाय है, पूरा जम्मू कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, कालाकोट में सभी आवाम आपके हक में धरने प्रदर्शन कर रही है। मुझे शाह मोहम्मद साहब बता रहे थे कि वो इस आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं और जब तक हमको बसाया नहीं जाएगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बड़े ताज्जुब की बात है सदोत्रा साहब कि जो दावा करते थे जम्मू खतरे में है, जम्मू खतरे में है, वो जम्मू को ही नीलाम कर गए। 39 एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिना शर्त के, बिना लीज के, बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना डोमिसाइल के बाहर के रियल एस्टेट वालों को जम्मू बेच दिया। और एलजी साहब गए, ठाकुर साहब मैं आपको बताता हूं कि एलजी साहब दुबई गए और दुबई में पता नहीं किन शेखों को जमीनें कश्मीर की बेच दी। देखिए किस तरीके से सदोत्रा साहब ये लोगों को बांटते हैं। जम्मू को बांटने के लिए इन सरमायादारों को लाया गया और कश्मीर को दुबई के फिरका बराना बांटने के लिए, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल तमाम सारे साथी हाथ खड़ा करके कहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन ये फिरका बराना ताकतें धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम करके हमको बेच रही है और वो बाहर के शेखों को भी बेचा है। अरे आपने अगर उनको जमीनें देनी थी तो इन मेरे भाइयों को क्यों बेघर किया आपने, क्यों इनको तबाह किया, ये सवाल जम्मू कश्मीर पूछता है। आज हमने ये कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद जब इन्होंने हमारी रियासत तोड़ी, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 छीना, तो हमने उसी दिन कहा था कि मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा 370-35 से महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगा, आइडेंटिटी इतिहास और पहचान को बरकरार रहेगा। हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं ये कहूं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें समय दिया और जब जब क्योंकि ये मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है भाई, मुझे यहां जंग लड़नी है, मैं तो आगे ही रियासत के दर्जे की वापसी की जंग को लड़ रहा हूं और मुझे मालूम था कि यह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी 370।